वेलकम टू माय चैनल टेस्टी डिशेस। आज हम बनाएंगे पनीर की एक टेस्टी डिश जिसका नाम है पनीर लबाबदार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिच है। आइए अब हम देखते हैं इसे हमें बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता है। लिए हमें चाहिए 400 ग्राम टमाटर, काजू 10-12 और 8-10 बादाम। इन्हें मिलाकर एक पेस्ट पीस कर रखना है, जिसे हमने पहले ही आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। वो ये रहा 400 ग्राम टमाटर, 10-15 काजू और 8-10 बादाम का ये पेस्ट है। इसके सिवा हमें चाहिए एक ग्लास पानी, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, थोड़ी सी हींग चुटकी भर स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च स्लाइड की हुई। और इसके सिवा हमें जो मसाले चाहिए, खड़े मसालों में हमें चाहिए 4 लौंग, 4 इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी स्वाद अनुसार, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, गरम मसाला। और हमें चाहिए 1/2 पैकेट मैगी मसाला, बटर, क्रीम 1 कप और 200 ग्राम पनीर। इतनी सब्जी 4 लोगों के लिए पर्याप्त होती है। आइए अब हम बनाते हैं हमारा पनीर लबाबदार। सबसे पहले कढ़ाई में हम अपना बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होने पर इसमें हम अपनी हींग डालेंगे। अब मक्खन पिघल चुका है, अब हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग के चटकते ही हम इसमें अपनी लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे, दालचीनी डालेंगे और अपनी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें अपना जिंजर पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें अपना टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। टमाटरों में एक बॉईल आने पर हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये पूरी तरह से पककर कढ़ाई न छोड़ दे। मध्य आंच पर इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब 5 मिनट बीत चुके हैं, अब हम देखते हैं कि टमाटर कैसे हुआ। टमाटर अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें चीनी घोलकर पानी में 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 चम्मच चीनी पानी में घोलकर।
ये पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा रसा चाहिए। अब फिर से हम इसे 10 मिनट पकने देंगे। अब हमारे 5 मिनट बीत चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे टमाटर कितने पक चुके हैं। टमाटर पूरी तरह पक जाने के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। अब टमाटर पूरी तरह पक चुके हैं, अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, मैगी मसाला आधा पैकेट, कसूरी मेथी स्वाद अनुसार, अब हम डालेंगे इसमें 1 कप क्रीम। क्रीम को बिल्कुल आखिर में ही डालें क्योंकि क्रीम अगर ज्यादा देर पकेगी तो वो घी छोड़ देगी। क्रीम डालते ही सब्जी ने अपनी रंगत ले ली है और पनीर लबाबदार बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। खुशबू भी अच्छी आ रही है, रंग भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मिनट बीत चुके हैं, हमारे मसाले भी थोड़ा पक चुके हैं। अब हम इसमें अपने तिकोनी शेप में कटे हुए पनीर डालेंगे। तिकोनी शेप में काटकर सब्जी ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। आंच हमने मध्यम कर रखी है। पनीर को हाथ से अलग अलग ही डालें, इससे इनकी शेप टूटेगी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पनीर सारा डाल चुके हैं हम। अब एक बार बस आखिरी चलाकर हम अपनी डिश को फाइनल टच देंगे। 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हमारा पनीर पककर तैयार है, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमारी डिश बनकर तैयार है, पनीर लबाबदार। आप इसे प्लीज बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।